हाउ टू मेक परफेक्ट एफर्मेशंस टू अट्रैक्ट योर गोल्स। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचिंग करने के लिए हम एफर्मेशंस कैसे बनाएं और एफर्मेशंस बनाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किस रूल्स को फॉलो करना है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एफर्मेशंस बनाने को लेके सभी को कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। कई लोग इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एफर्मेशंस की, फिर भी उनकी एफर्मेशंस पूरी नहीं होती, फिर भी उनके गोल्स अट्रैक्ट नहीं होते। तो किन रूल्स को आप नहीं फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एफर्मेशंस काम नहीं कर रही? सबसे पहला रूल, आपकी एफर्मेशन जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए उसमें। उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड का आपको यूज़ नहीं करना है। मीन्स आपकी एफर्मेशन में जो एक स्टेटमेंट आप बनाओगे कि मुझे ये चीज़ मिल गई है या वो चीज़ मिल गई है या ये गोल मेरा पूरा हो गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स चूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए एफर्मेशन बना रहे हो तो आप उसमें पेन, नी पेन, थायराइड ऐसी चीज़ों का नाम नहीं लोगे, हेडेक ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे, तो आपकी एफर्मेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, एफर्मेशन काम नहीं करेगी। और दूसरा रूल आपको जो फॉलो करना है, तो आपकी एफर्मेशन वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। आपका गोल क्या है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, पर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मैच करना है, आपको वो गोल को अट्रैक्ट करना है, तो आपको आज वैसा महसूस करना पड़ेगा। आज आपको वो चीज़ आपके पास है, आपको ऐसा महसूस करना पड़ेगा। तो आपकी एफर्मेशन कैसी होगी? पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में, कि मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी है, मेरी सेहत अच्छे से ठीक हो चुकी है, आई हैव अ हेल्दी बॉडी, मेरे पास ये चीज़ है। तो प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। पहला रूल आपका ये हो गया। दूसरा रूल आपको जो फॉलो करना है, जो आपकी एफर्मेशन है उसको बोलते टाइम आपको उसमें एक फीलिंग ऐड करनी है। एफर्मेशन के अंदर एक फीलिंग ऐड करनी है। अगर मान लो, करियर की एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, कि आप बोलोगे कि आपको एक जॉब चाहिए, एक अच्छी सी जॉब चाहिए, तो आप अपनी एफर्मेशन बनाते हो कि मुझे ये बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है और इससे मुझे एक ये पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है। आपको वहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है। तो अगर आपको वो सैलरी मिल चुकी है, आपको वो जॉब मिल चुकी है, तो क्या आप इतनी आसानी से आप ऐसे बैठ जाओगे? आपको कुछ ना कुछ तो फीलिंग होगी, आपके एक्साइटमेंट होगी, आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे, आप सारा दिन भर आपके मन में थॉट्स आएंगे कि मैं क्या इंटरव्यू पे पहन के जाऊंगी या फर्स्ट डे ऑफिस का मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ। तो अब वो एक्शंस लेने शुरू कर दोगे और इन एक्शंस को लिए बिना भी आपके अंदर एक फीलिंग अलग सी आ जाएगी। तो क्या फीलिंग आप उस जॉब से लेना चाहते हो, उस सैलरी को पा के लेना चाहते हो, वो फीलिंग आपको अपनी एफर्मेशन में ऐड करनी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कि थैंक यू यूनिवर्स, हमेशा ग्रेटिट्यूड से शुरू करिए क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी है। तो पहले आप थैंक यू से शुरू करिए कि थैंक यू यूनिवर्स, ऑलरेडी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, पर मैं आपका अभी और ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे ये जॉब दे दी है, ये जॉब लेके, इस जॉब को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश आपका इमोशन है कि आपको खुशी महसूस होगी, किसी को सेटिस्फैक्शन महसूस हो सकती है, किसी को सक्सेसफुल महसूस हो सकता है। तो ये इमोशन सबका अलग अलग होता है, तो आपको वो फीलिंग ऐड करनी है अपनी एफर्मेशन में कि आई एम फीलिंग सो सक्सेसफुल बाय हैविंग दिस जॉब, इस जॉब को पाकर और इस सैलरी को पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही है। तो नेक्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है, आपको एफर्मेशंस ऐसे ही किसी भी स्टेट में नहीं बोल देनी है। आपको एफर्मेशंस को डेली मॉर्निंग या इवनिंग में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये दोनों जो टाइम होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस ओपन होता है इस टाइम पे, हमारे सबकॉन्शियस में अंदर जाने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। तो एफर्मेशंस अगर आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी तो ही वो अट्रैक्शन होगा। कॉन्शियस माइंड आपका उसके साथ क्लैश करता रहेगा, वो आपको ये बार बार बोलता रहेगा, डाउट क्रिएट करता रहेगा कि तुम्हारे पास ये ऑलरेडी नहीं है। तो आपको सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इन एफर्मेशंस को बोल के, रिपीट करके। तो सुबह और शाम का टाइम चूज़ करें और उस टाइम पे जब आपको एफर्मेशंस बोलनी है तो अपनी एफर्मेशंस को हमेशा एक अच्छे मूड में बोलिए, एक गुड मूड चूज़ करिए, जब आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। तो उस मूड में आने के लिए मैंने हाई वाइब्रेशन पे भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे करें। आप बात ले सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आपका अच्छा मूड हो, उस टाइम पे आप अपनी एफर्मेशंस को दोहराइए सुबह और शाम को। जब भी आप
अपने एफर्मेशन की प्रैक्टिस करने जाओ तो आपकी पहले वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, उसी वाइब्रेशन में आपकी परफॉर्मेंस हाई जाएगी और आपकी एफर्मेशंस काम करेंगी। तो इन कुछ रूल्स को फॉलो करके आप अपनी अगर एफर्मेशंस बनाएंगी तो वो डेफिनेटली काम करेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ज़रूरत है अपने गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जितनी आप खुशी बांटेंगी उतनी ही खुशी आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। और आने वाले फ्री हीलिंग सेशन को लेने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करिए, उस पर क्लिक करके और नेक्स्ट हीलिंग सेशन में आप ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।